उत्तराखंड को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं का वास यही है। इन सभी देवी देवताओं का हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि ये देवी देवता हर कष्ट का निवारण करने के लिए किसी पवित्र शरीर के माध्यम से लोगों के बीच में आते हैं और उनका कष्ट हर ले जाते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम आपको विशेष प्रकार की पूजा प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं। जिस तरह ज़्यादातर लोगों ने साउथ की मूवी कांतारा देखी होगी, उसमें उनके रीजनल लोकल देव की पूजा होती है, इसी तरह से उत्तराखंड में भी कुछ लोकल देवताओं की पूजा की जाती है। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में लोकल देवता होते हैं, जैसे कि गोलजी महाराज, कलजी विष्ट, हरू, भूमिया, चोमू, महासु, इस तरह के और भी इष्ट देव होते हैं। जागर के जरिए विशेष पूजा अर्चना करके इन्हें मनुष्य के शरीर में बुलाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार जागर के जरिए कुल देवता ग्राम देवता को जब मनुष्य के शरीर के अंदर बुलाया जाता है तो वह गांव के परेशानियों को बताता है, और यही नहीं, इसके अलावा उन परेशानियों के निवारण को भी बताता है। कुल देवता जिस भी व्यक्ति के अंदर अवतरित होता है उसके लिए विशेष प्रकार की गद्दी लगाई जाती है और उस समय उन्हें भगवान मानकर पूजा जाता है, और जागर अधिकांश रात को ही लगाए जाते हैं। जागर दो प्रकार के लगाए जाते हैं, एक तो ढोल और थाली के साथ, दूसरा डमरू और थाली के साथ। इसमें देव कथा का गान होता है। इसमें यह बताया जाता है कि देवताओं की उत्पत्ति, उनके कर्म और उनका परिश्रम कैसे रहा। जो व्यक्ति देव कथा को गाता है और ढोल बजाता है उस व्यक्ति को जगरी, और जिस व्यक्ति के शरीर में देव का आगमन होता है उसे डांगरिया बोलते हैं। जब देवता आ जाता है तो उस मनुष्य का बोलचाल और ढंग असामान्य हो जाता है। जागर दो प्रकार के होते हैं, एक तो देव जागर और दूसरा घरभूत जागर। देव जागर में देवताओं का आह्वान किया जाता है, और घरभूत जागर में जो घर के पूर्वज होते हैं, जो घर के पुरखे होते हैं, उनकी आत्मा का आह्वान किया जाता है।